जघन्यतम अपराध के मामले में देश के सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगर किसी दोषी को सजा सुनाई जाती है तो उसके पास दो विकल्प बचते हैं, जिसका प्रयोग कर वह अपनी सजा माफ करवा सकता है या सजा कम करने का निवेदन कर सकता है। पहले विकल्प के रूप में या तो वह सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दे सकता है और दूसरे विकल्प में वह भारत के राष्ट्रपति के पास दया याचिका के लिए निवेदन कर सकता है। हालांकि जब इन दो जगहों से दोषी के निवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है तब उसके पास एक और विकल्प बचता है और वो है क्यूरेटिव पिटिशन का। मतलब क्यूरेटिव पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज होने और राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका ठुकरा देने के बाद की प्रक्रिया है। क्यूरेटिव पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है। भारतीय न्याय व्यवस्था में दोषी को यह विकल्प इसलिए दिया गया है कि उसके साथ अन्याय की कोई गुंजाइश ना हो, यानी न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग ना हो। इसके लिए दोषी को क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल करने का विकल्प दिया गया है। इस पिटिशन के माध्यम से दोषी कोर्ट से सजा कम करने की विनती करता है। हालांकि दोषी के पास क्यूरेटिव पिटिशन फाइल करने के लिए कोई ठोस आधार होना चाहिए। उसे अपने द्वारा फाइल किए गए पिटिशन में बताना होता है कि वह किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रहा है। दूसरी बात की पिटिशन किसी वरिष्ठ वकील द्वारा सर्टिफाइड होना जरूरी है। क्यूरेटिव पिटिशन को कोर्ट के 3 सबसे वरिष्ठ जजों के पास भेजा जाता है और इस पिटिशन पर उन जजों का फैसला अंतिम होता है। आखिर क्यूरेटिव पिटिशन की प्रैक्टिस कब से शुरू हुई, इस सवाल के जवाब के लिए 2002 के उस मामले को समझना होगा जिसे लेकर देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी। यह मामला था तलाक का, जिसे रूपा हुरा बनाम अशोक हुरा के नाम से जाना जाता है। यह केस एक दंपति द्वारा फाइल किया गया था जिसमें आपसी सहमति से तलाक की बात कही गई थी। हालांकि कुछ समय बाद पत्नी ने तलाक से इनकार कर दिया, जिसे तलाक की वैधता को लेकर सवाल उठा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आरोपी के पास राहत पाने का ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद से ही क्यूरेटिव पिटिशन की प्रैक्टिस रूपा हुरा बनाम अशोक हुरा 2002 के केस के आधार पर शुरू हुई।